देवभूमि प्रणाम। देवभूमि रेडियो से मैं अंजना ठाकुर, पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जिंदगी और मौत के बीच अटके चंबा के 40 लोग। चंबा के दो शिक्षकों को नवोदय क्रांति राष्ट्रीय सम्मान। हमीरपुर के झोला छाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं। एबीवीपी के छात्रों ने काटा बवाल। तीन तलाक खत्म। सिद्धू ने मारा लास्ट बॉल पे छक्का। बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। सरवीन चौधरी बोली, वन बनेंगे रोजगार व आजीविका का साधन। अब समाचार विस्तार से। जिंदगी और मौत के बीच अटके चंबा के 40 लोग। चंबा से बैरागढ़ के लिए जा रही एक निजी बस हादसे का शिकार होते होते बची। बस में करीब 40 सवारियां मौजूद थीं। कलहेल के पास सामने से तेज गति से आ रही एक कार को बचाते हुए ये बस सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। चंबा के दो शिक्षकों को नवोदय क्रांति राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रीय संसाधन प्रतियोगिता में देश भर में अपना स्थान बनाने वाले एवं नवोदय क्रांति राष्ट्रीय सम्मान व खास शिक्षा के मुकाम हासिल करने वाले पहाड़ी जिला के शिक्षक, ब्लॉक सुंडला के तहत आने वाले प्राथमिक पाठशाला अनोगा के शिक्षक युद्धवीर टंडन एवं राकेश को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में आयोजित राज्य स्तरीय संपर्क स्मार्ट शाला अनावरण कार्यक्रम में सम्मानित किया। हमीरपुर के झोला छाप डॉक्टरों की अब खैर नहीं। एनएमसी बिल 2019 को लागू करने के विरोध में हिमाचल ऑफिसर एसोसिएशन ने आवाज बुलंद की है और इस बिल की निंदा करते हुए ड्रैकोनियन बिल करार दिया है। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार इस बिल के माध्यम से झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। एबीवीपी के छात्रों ने काटा बवाल। कुल्लू कॉलेज में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। छात्र नेताओं का कहना है कि 1400 बच्चों को सिर्फ 3 प्राध्यापक ही पढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तीन तलाक खत्म। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिली। मुस्लिम महिला विधेयक 2019 को राज्यसभा की मंजूरी मिल ही गई। नरेंद्र मोदी सरकार का एक बड़ा चुनावी वादा पूरा हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू ने मारा लास्ट बॉल पे छक्का। बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। दिल्ली में लंबे समय से नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस बड़ा कदम उठा सकती है। पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली प्रदेश संगठन की कमान सौंप सकती है। सरवीन चौधरी बोली, वन बनेंगे रोजगार व आजीविका का साधन। शाहपुर के हरनेहरा में वन महोत्सव के उत्सव पर सरवीन चौधरी ने कहा, हिमाचल में वन रोजगार और आजीविका का साधन बनेंगे। सरवीन बोली, पेड़ प्रकृति का अनमोल उपहार है, इन्हीं के कारण हमारी धरती हरी भरी और खुशहाल है। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।